ईश्वर का प्रसंग चल रहा है तो जहां ईश्वर के गुणों को हमें समझना होता है उचित तरीके से, ईश्वर का स्वरूप क्या है, वहीं ईश्वर क्या क्या करता है, कैसे कैसे करता है, हमारे से संबंधित क्या और प्रकृति से संबंधित क्या, परमात्मा के कर्मों को समझना भी हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि परमात्मा के कर्मों के अनुरूप हम उसके स्वरूप को भी निर्धारित करते हैं और परमात्मा के कर्मों के अनुसार हम अपने लिए भी फिर स्थान बनाते हैं और हमारी बहुत अधिक विचारधारा मान्यता परमात्मा को देखते हुए, परमात्मा के कर्मों को देखते हुए निर्धारित होती है। तो परमात्मा क्या करता है, कैसे करता है, इसमें भी बहुत भिन्नताएं हैं और हमारे लिए विचारणीय है कि कौन सी बात ठीक समझी जाए, विचार के योग्य है। केवल एक बात रखता हूं मैं, उस पर विचार कीजिए और आगे इस पर चर्चा करेंगे। एक तरफ ये कहा जाता है कि परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता संसार में, परमात्मा की इच्छा के बिना, परमात्मा के किए बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, एक तरफ ये कथन किया जाता है। इससे परमात्मा की शक्तिमत्ता, सर्वशक्तिमत्ता, सब कर्मों को करने की सामर्थ्य इत्यादि बहुत से गुण हम उसमें देखने लगते हैं कि सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है। एक तरफ उसकी इससे प्रशंसा होती है, एक बात आई। दूसरी तरफ फिर क्या बोलते हैं हम, वही व्यक्ति कि कोई भी मनुष्य जो अच्छा और बुरा करता है उसका फल उसी को मिलता है, करने वाले को ही उसके कर्मों का, धर्म किया है तो शुभ फल और अधर्म किया है तो अशुभ फल, पाप और पुण्य उसी को मिलता है करने वाले को। और करने वाला कौन माना जाता है, व्यक्ति, कोई मनुष्य, मैं, आप, जो भी हैं अलग अलग। तो एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जितनी भी क्रियाएं हैं वो परमात्मा ही करता है, परमात्मा के बिना कोई क्रिया नहीं होती, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो करता है उसी को फल मिलता है। ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध हैं। परमात्मा सब कुछ करता है का तात्पर्य हमें देखना होगा कि क्या करता है, वहां साथ में जोड़ना होगा क्या नहीं भी करता है। यदि हर चीज परमात्मा के कराए ही हो रही है तो फिर दूसरी तरफ जिसको हम कहते हैं ये उसने पाप कर दिया, पुण्य कर दिया, उसका पाप पुण्य नहीं हो सकता, फिर एक ही बात हो सकती है, क्योंकि वो जो कर रहा है, कोई भी मनुष्य, आप और मैं, वो परमात्मा के कराए से ही कर रहे हैं, क्योंकि वही कराता है सब कुछ। हम कहां करने वाले हैं, सब कुछ वही करा रहा है, उसके अनुसार ही सब चल रहा है। तो हम कठपुतली की तरह से हुए और ऐसे में अगर कुछ गलत भी होता है तो भी श्रेय परमात्मा को या उसको उसकी निंदा, जो गलत हो रहा है वो भी परमात्मा ही करा रहा है, जो अच्छा हो रहा है वो भी परमात्मा ही करा रहा है। और यदि सब कुछ परमात्मा करा रहा है तो जो हम संसार में अधर्म देखते हैं, चोरी कौन कर रहा है, क्या हम ये मानेंगे कि परमात्मा कर रहा है या करवा रहा है, हत्या कौन कर रहा है, बलात्कार कौन कर रहा है, मिलावट कौन कर रहा है, रिश्वत कौन ले रहा है, छल कपट कौन कर रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, ये सारी चीजें, जितना अधर्म है वो कौन कर रहा है यदि परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है। तो एक विचार का बिंदु है, हमें
परमात्मा के सत्य स्वरूप को समझने के लिए इस तरह की जो बातें हमें जहां जहां भी अटकती हैं, ये कुछ विरुद्ध हो रहा है, दोनों बातों में तालमेल नहीं है, तो उसको हमें समझ करके तालमेल बनाना होगा कि विरोध भी नहीं आए, परमात्मा का जो स्वरूप हम स्वीकार करते हैं उसके विपरीत भी नहीं पड़ेंगे। तो ये तो विचार के लिए बिंदु है, इस पे और आगे करेंगे बात। आप लोगों की ओर से जो प्रश्न आए हैं उनको ले रहा हूं। ब्रह्मचारी संजीव जी का प्रश्न है कि आपने प्रारब्ध के अनुसार हमको जन्म मिलता है, अपने प्रारब्ध के अनुसार हमको जन्म मिलता है और उसी के अनुसार कर्म हम अच्छा और बुरा भी कर सकते हैं, फिर इसमें ईश्वर की उपासना करने की क्या जरूरत है? ये ठीक है, प्रारब्ध के अनुसार हमें जन्म मिलता है। फिर जो अगला वाक्य लिखा, उसी के अनुसार कर्म हम अच्छा और बुरा भी कर सकते हैं, इसमें हमारी स्वतंत्रता भी है। इसका ये भाव ना ले लिया जाए, अगर वो है भाव तो मैं उसको स्पष्टीकरण के लिए दे रहा हूं। मान लीजिए अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छा जन्म मिला तो अब हम अच्छे ही कर्म करेंगे, जैसा शरीर मिला वैसे कर्म करेंगे। बुरे कर्मों के अनुसार बुरा शरीर मिला तो हम बुरे ही करेंगे। अब अच्छे कर्मों के अनुसार जो अच्छा शरीर मिला तो अब हम बुरा नहीं करेंगे, अच्छा ही करेंगे, क्यों, पुण्य का फल है। और बुरे कर्म के अनुसार यदि शरीर मिला है तो बुरा ही करेंगे, क्योंकि कर्मों का फल ही ऐसा था हमारा। अगर ऐसा अभिप्राय है कि कर्मानुसार प्रारब्ध के अनुसार जन्म मिलता है और उसी के अनुसार हम कर्म अच्छा या बुरा भी कर सकते हैं, ऐसा तात्पर्य है तो ये ठीक नहीं है। कोई भी मनुष्य केवल पाप के कारण से उत्पन्न नहीं हो सकता और केवल पुण्य के कारण से भी नहीं हो सकता। पाप और पुण्य दोनों का भोग हमें इस शरीर में करना होता है, लेकिन उसमें अधिकतर हमारे पुण्य लगते हैं, क्योंकि विशेष शरीर मिला है हमें, उन्नति का विशेष अवसर मिला है, पुण्यों के कारण से ऐसा शरीर हमें, अद्भुत शरीर, बुद्धि, इंद्रियां आदि हमें मिल गए हैं। और उसमें जो कुछ न्यूनताएं हैं, कुछ और चीजें हैं, ठीक है, वो कर्म के अनुसार कुछ हमें न्यूनता भी मिली है, जिसको अधिक अच्छा है उसको अधिक अच्छा मिल गया इत्यादि। लेकिन अब कर्म की हमारी पूरी स्वतंत्रता है, किसी के अधिक अच्छे हैं और बुरे कम हैं तो उसके अब के कर्म भी अधिक अच्छे होंगे और बुरे कम होंगे, ये कोई नियम नहीं है। कर्म की स्वतंत्रता से भले ही अच्छा शरीर प्राप्त कर लिया, अच्छी बुद्धि प्राप्त कर ली, लेकिन अभी यहां दिशा भटक गए, उस अच्छी बुद्धि और अच्छे शरीर को पा करके वो बहुत अधिक बुरे कर्म भी कर लेगा, क्योंकि बुरे कर्म में भी उसकी बुद्धि बहुत तेज चलेगी, बहुत बड़े बड़े अपराध कर सकता है वो। ये हमारे कर्म की स्वतंत्रता है। और यदि पुण्य कुछ कम है, पाप भी है, और मान लो हमारी सामर्थ्य कम है, लेकिन फिर भी हम इस जीवन में अधिक पुण्य कर सकते हैं, तो जैसे पाप पुण्य थे उतने ही पाप पुण्य उसी प्रतिशत में वैसे ही हम करेंगे, ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा नहीं होता है। ये तो कर्म की स्वतंत्रता हमारे को है, पिछले पाप पुण्य के आधार पर केवल हमारे को अनुकूल साधनों का मिलना या तो कम अनुकूल का मिलना या कुछ प्रतिकूलता रहना, इतना ही मात्र है। अब हम कौन किस तरफ बढ़ते हैं ये हमारे ऊपर पूरी स्वतंत्रता है। और यदि दूसरे ढंग से इनका प्रश्न है कि प्रारब्ध के अनुसार शरीर मिला है और हम भी अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और उसके अनुसार फिर हमें फल मिलता रहता है, तो ईश्वर की उपासना करने की क्या आवश्यकता है, उसका इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? तो एक तो अच्छे और बुरे कर्म की दृष्टि से भी हम देखें तो ईश्वर को मानने पर हम अच्छे कर्म अधिक कर सकते हैं, अधिक से अधिक शुद्ध कर्म कर सकते हैं। ईश्वर का स्वरूप हमने जान लिया, ईश्वर का स्वभाव जान लिया, उसकी न्याय व्यवस्था को हमने जाना, उसके प्रयोजन को जाना, उसने क्यों शरीर दिया है, तो हम उसके अनुरूप अधिक अच्छा चल सकते हैं, अधिक शुभ कर्म कर सकते हैं। ईश्वर को हटा के यदि हम व्यक्ति के स्तर पर अच्छे और बुरे की विवेचना करेंगे तो बहुत सी ऐसी चीजें मिलेंगी जो वैसे हमें ठीक लगेगी लेकिन ईश्वरीय दृष्टि से वो गलत है। लोक व्यवहार की दृष्टि से ठीक लगेगी हमें लेकिन ईश्वर की दृष्टि से वो गलत है।
तो ईश्वर को जानने मानने से हमारे कर्मों पर अंतर आता है, जीवन का लक्ष्य बदलता है। तो अच्छे और बुरे की दृष्टि से भी, और बुरे कर्मों का फल हमें ईश्वर यथावत देता है, हमें पूरा पूरा फल मिलेगा, पूरा दंड मिलेगा, ये बात तब तक नहीं बैठ सकती जब तक कि हम ईश्वर को उस ठीक रूप में स्वीकार न कर लें। और जो फिर वो ईश्वर को भी नहीं मानेगा, वो पुनर्जन्म को भी प्राय नहीं मानते, और वो कहेंगे कि ठीक है जो करना है कर लो, इस जन्म के बाद कुछ है नहीं, और वो आत्मा को भी प्राय स्वीकार नहीं करेंगे। और ईश्वर की उपासना करने से, उपासना का मतलब क्या है, ईश्वर के निकट जाना, ईश्वर की सन्निधि में बैठना। तो जब हम सुबह शाम बैठते हैं उसमें ईश्वर की स्तुति भी करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसके गुणों का बखान करते हैं, याद करते हैं, दोहराते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। तो स्तुति करने से परमात्मा के प्रति प्रीति होती है, हम अधिक से अधिक उसके गुणों को जानते हैं तो उसके निकट आना चाहते हैं, और निकटता के लिए हम उस जैसा बनना चाहते हैं, उसके आदेशों के अनुरूप चलना चाहते हैं। किसी की प्रियता हमें संपादित करनी हो, किसी के बहुत गुण हमने जान लिए, ये बहुत बड़े हैं, बहुत गुण हैं, तो हमारी इच्छा होती है इनकी निकटता प्राप्त करें। और निकटता कब प्राप्त होगी, जब हम उनके अनुकूल चलेंगे। हम चलें तो उनके प्रतिकूल और निकटता प्राप्त करना चाहें तो वो नहीं हो पाती है। ये स्वभावतः है कि जब हम स्तुति करेंगे तो प्रीति होगी, प्रेम होगा परमात्मा के प्रति, और प्रेम होगा प्रीति होगी तो हम उसके अनुरूप चलना चाहेंगे, उनके विपरीत नहीं चलना चाहेंगे। तो इस तरह से वो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है उपासना में, बार बार हम जब इन विषयों को लेते हैं। इसके अलावा परमात्मा का स्वरूप हमने पढ़ भी लिया, थोड़ा समझ भी लिया, किंतु वो दिन भर हमारे दिमाग में बैठा रहे यथावत और उसी के अनुरूप हम चलते रहे, ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन जब हम ध्यान उपासना करते हैं, एकाग्र होकर बैठते हैं, शरीर को स्थिर करते हैं, इंद्रिय निग्रह करते हैं, प्रत्याहार करते हैं, अंतर्मुखी बनते हैं, और वहां अब कुछ विशेष विचार करते हैं, उसकी छाप हमारे पर गहरी पड़ती है और उसका प्रभाव हमारे दिन के कार्यकलापों में रहता है, और स्वभावतः हम उस जागरूकता को अंदर ही अंदर बनाए रखते हुए अपने कर्मों को करते हैं। तो हमारे कर्म अपेक्षाकृत बहुत अच्छे हो जाते हैं, जहां जहां हमारी गलतियों की संभावना रहती है वो कम हो जाती है, धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो पाप और पुण्य तक भी अगर हम सीमित रखें अपने को कि अच्छे बुरे कर्म ही करने, उसमें भी परमात्मा की उपासना हमारे को सहयोगी होती है। उसके अलावा हम परमात्मा को जब चिंतन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके प्रति हमारे मन में विनम्रता आती है, उसके प्रति हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं। जब हमारा स्वरूप हमें पता लगता है कि ये सब परमात्मा के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है, तो कृतज्ञता का भाव होता है, विनम्रता आती है, आर्द्रता आती है, नमते हैं हम, झुकते हैं, अहंकार हमारा कम होता है। तो ये जो आध्यात्मिक गुण है हमारी उन्नति के लिए, वो हमारे अंदर विकसित होते हैं और उसके अनुरूप फिर हम अन्य मनुष्यों के साथ भी उसी तरह से अच्छा व्यवहार करने लगते हैं। जैसे परमात्मा का सहयोग मान के उससे विनम्र होते हैं, तो अन्य लोगों के साथ भी जितना जितना जिसका सहयोग होता है उधर भी हम विनम्रता, कृतज्ञता और ठीक व्यवहार करते हैं, और लोक में भी व्यवहार ठीक करते हैं, तो उससे परमात्मा का भी व्यवहार हमारे मन में ठीक बनता है। ये सब उपासना के लिए से उपयुक्त होता है, हमारा अंतःकरण पवित्र होता है, मन नियंत्रित होता है, ये बहुत सारे लाभ उपासना के। आगे प्रश्न है मदन जी का कि कोई निराकार परमात्मा को मानता है बहुत दृढ़ता से, कट्टर है, और दूसरा व्यक्ति है जो मूर्ति पूजा को यानी साकार को मानता है, वो भी अपनी जगह बहुत कट्टर है, बहुत दृढ़ है, तो उनको ईश्वर के बारे में समझाएं कि ईश्वर निराकार है, अजन्मा है, अनंत है, सर्वव्यापक है, ऐसा है, और वह ना माने तो उनसे वैर भाव रखना ये ठीक है? नहीं, वैर भाव तो हमें उनसे भी नहीं रखना है। हम आज मान लो जिनको भी ये बात समझ में आ गई, जरूरी नहीं कि हमारे को भी पहले ऐसी स्थिति थी, हम भी साकार मान सकते थे इस जन्म में, पहले भी स्वभावतः उसी तरफ प्रवृत्ति होती है सबकी। तो वैर भाव नहीं रखना है, हम बताने की स्थिति में है, हम बता सकते हैं, आपस में चर्चा होती है, अपनी बात रख दी, मेरे को ये समझ में आता है, और क्यों समझ में आता है, इसका आधार क्या है,
उस बात को रखा। अब इसमें वैर करने की क्या बात है, वो हमारी कोई हानि नहीं कर रहे, ठीक है, वो साकार को मानते हैं मानते हैं, हमारा आपस में थोड़ा झगड़ा है कोई, न हम उनकी हानि कर रहे हैं न वो हमारी हानि कर रहे हैं, प्रेम से बैठते हैं उठते हैं खाते हैं पीते हैं व्यवहार करते हैं, रोग आदि में आकस्मिक स्थिति में एक दूसरे की सहायता करते हैं, हमारे संबंध है, मित्रता है उनसे, कम है अधिक है हमारे एक जगह काम करते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे, इसको लेकर के वहां व्यवहार में दिक्कत खड़ी करना उचित नहीं है, उसमें वैर करने की कोई बात नहीं है। और इसको विपरीत भी समझ सकते हैं कि जो साकार को मानते हैं वो निराकार वालों से वैर करने लग जाए, ये भी ठीक नहीं है, ठीक है, कुछ बातों में भिन्नता है लेकिन चाहते तो दोनों ही हैं कि हम विनम्र बने, वैर ना रखें, पवित्र हों, ये बात तो दोनों ही चाहते हैं ना, तो उसमें क्यों अड़चन पैदा करें हम कि वैर क्यों पैदा करें, वो वैर आपस में नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को सहन करना चाहिए। वैर कब हो जाता है, जब हम अहंकार से युक्त होकर ये सारी बातें करते हैं कि मैंने बात रखी, मैंने ठीक बात भी रखी, फिर ये मान ही नहीं रहे, मेरी बात की अवहेलना कर दी, जैसे कि मेरे अहंकार पे चोट हो गई, हम सोच के गए थे कि मैं ये तर्क रखूंगा, ये रखूंगा, ये प्रमाण दूंगा, पूरी साज सज्जा से अहंकार से मैं तो सफल होऊंगा, और उन्होंने बात नहीं मानी, तो हमारी जो इच्छा थी, जो हम चाहते थे, उल्लास था कि मैं इसको ऐसा कर दूंगा ऐसा कर दूंगा, वो असफल हो गया, तो हम दुखी हो जाते हैं, तो फिर वैर करने लगे, क्यों उससे द्वेष क्यों पाले, उन्होंने क्या अहित किया है, अहंकार तो हम पाल करके गए थे, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं मनवा दूंगा और ऐसा हो जाएगा, फिर लोग मेरे को कहेंगे कि इतने लोगों को देखो इन्होंने परमात्मा का ठीक स्वरूप बता दिया, और ये करे किस बात की जरूरत है इसमें, हम केवल प्रयत्न करना है, प्रयत्न कर लिया, ये विषय बहुत गंभीर होते हैं, बहुत गहराई से लोगों के मन में बैठे हुए होते हैं, इनसे भावनाएं जुड़ी भी होती हैं, संवेदनाएं बहुत अधिक होती हैं, इसलिए किसी से भी ऐसे अपेक्षा भी नहीं कर सकते, हो सकता है किसी को महीने में हो, किसी को सालों में हो, किसी को दशकों में हो, और हो सकता है किसी को पूरे जीवन भी ये बात स्वीकार ना हो पाए, हो सकता है, अपने अपने संस्कार हैं, अपनी अपनी दृढ़ता है, अपनी तरफ से हमने प्रयास किया, आगे जो जो भी हो उसमें कोई वैर की बात नहीं होनी चाहिए। आगे इन्हीं का प्रश्न है, ईश्वर जैसे विषय में खंडन मंडन करना ये कहां तक सीमित है, एक सीमा तक ही हमें करना चाहिए, पहला तो ये कि अगर वो खंडन मंडन करते हुए आपस में द्वेष कर बैठे हैं, झगड़ा हो गया, तनाव हो गया, हमारी मित्रता समाप्त हो गई, बोलचाल समाप्त हो गई, परस्पर सहयोग जो करते थे उठना बैठना समाप्त हो रहा है, ये इस सीमा तक नहीं जाना, और तर्क प्रमाण की भी अपनी एक सीमा होती है, उसके आगे तो शब्द प्रमाण है, हमारे शास्त्र है, महापुरुषों के वचन है, ऋषियों के वचन है, उसके आधार पर भी हमें बहुत कुछ करना होता है, मान लो हमारा तर्क वितर्क ऐसा रहा है जो उसके विपरीत जा रहा है, वो भी ठीक नहीं है। आगे इन्होंने प्रश्न किया, क्या ईश्वर खंडन और मंडन पर आधारित विषय है, नहीं, ईश्वर अपने आप में खंडन मंडन की बात नहीं है, ईश्वर का तो जैसा स्वरूप है वो ठीक, लेकिन ईश्वर के बारे में जो विपरीत बातें चल रही हैं, जहां हमारे को बार बार संदेह होते हैं कि ये ठीक है कौन सा उचित है, ये सब बातें होंगी तब तो विचार करना ही होगा, इसमें हम ईश्वर का खंडन थोड़ा ना कर रहे हैं, ईश्वर का खंडन नहीं कर रहे, ये कोई अनादर नहीं है ईश्वर के प्रति, बल्कि हमारी भावना क्या है, हम ईश्वर के स्वरूप को ठीक ठीक जाने, ईश्वर को यथार्थ में जाने, ये भावना, ये तो अच्छी भावना है, इसमें कोई दोष नहीं है, मैं सत्य को जानूं, मैं सत्य के निकट पहुंचूं, जितना असत्य है वो मेरे में हट सके, दूसरों का मैं हटा सकूं, जितना कर सकते, तो ईश्वर अपने आप में खंडन मंडन का विषय नहीं है, और इसमें कोई ईश्वर का खंडन नहीं किया जा रहा है, ये वो लोग कर सकते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं और फिर तर्क वितर्क करके खंडन करते हैं, वो तो ईश्वर का खंडन माना जाएगा, दूसरा व्यक्ति ईश्वर की स्थापना कर रहा है, ईश्वर का मंडन कर रहा है, वो उसके पक्ष में जाएगा, लेकिन है दोनों आस्तिक, ईश्वर को मानते हैं लेकिन ईश्वर के स्वरूप में भिन्नता है, वहां वो चर्चा चल रही है, तो ईश्वर का खंडन तो दोनों में से कोई भी नहीं करना चाह रहा है, ईश्वर के विपरीत थोड़ना है, ईश्वर के प्रति तो दोनों की भावना है, प्रयत्न केवल यह चल रहा है कि ईश्वर का ठीक स्वरूप हम समझ सकें।
अगला प्रश्न ब्रह्मचारी परमवीर जी का है। यदि किसी को आत्म साक्षात्कार हो जाए और उसके बाद ब्रह्म साक्षात्कार होने से पहले ही किसी कारण से शरीर छूट जाए तो क्या उस आत्मा को अपना बोध रहता है कि मैं कौन हूं, कहां हूं? मृत्यु के बाद का पूछ रहे हैं, क्योंकि अन्य साधारण आत्माओं को शरीर छूटने के बाद अपना बोध नहीं रहता। तो जिनको आत्मा का साक्षात्कार हो गया है और शरीर उनका छूट गया है, बोध तो उनको भी नहीं रहेगा अपना। आत्मा का साक्षात्कार शरीर में रहते हुए इंद्रियों की सहायता से, अंतरकरण की सहायता से, इन सबके अनुकूलता होने पे हुआ है। शरीर जिस समय नहीं रहेगा मृत्यु के बाद में, और अगले जन्म से पहले का जो भाग है उस समय तो आत्म साक्षात्कारकर्ता को भी अपना बोध नहीं होगा, क्योंकि इन साधनों के बिना वो अपना बोध भी नहीं कर सकता है। अब आगे इसी में प्रश्न है इनका कि जिसका आत्म साक्षात्कार के बाद शरीर छूट गया, क्या उसे अगले जन्म में पुनः आत्म साक्षात्कार करना पड़ेगा, या जहां तक की यात्रा वह तय कर चुका उस अगले जन्म में उसके आगे से ही शुरू करेगा? आगे से शुरू होता है, एकदम से नहीं आएगा, लेकिन अगर आत्म साक्षात्कार पहले हो गया है, एक स्थिति बनाई है, अपने को पवित्र कर लिया है, तो अगले जन्म में बहुत शीघ्रता से वो वहां एकदम पहुंच जाएगा। केवल शुरुआत करने की देर है, उसको वैसे संस्कार उभरेंगे, वैसी स्थितियां बनेंगी, उसकी वैसी रुचि होगी, और बस थोड़ा सा आलम्बन किया, जैसे भी मिला, कहीं भजन सुन लिया, कोई शब्द सुन लिया, कोई घटना देखी, वो वापस एकदम से वहीं पहुंच जाएगा, और उसके आगे की यात्रा, उसकी जो ब्रह्म साक्षात्कार की बाकी है अभी, वो अगले जन्म में करेगा। तो पिछले जन्म का किया हुआ साधना, अपने ऊपर डाले हुए अच्छे संस्कार, वो समाप्त नहीं होते, वो तो आगे चलेंगे, वो हमारे को साथ ही देंगे। ये तो केवल पड़ाव हमने बदला है, चोला बदला है, कपड़े बदले, आत्मा की यात्रा तो वही चल रही है। प्रवीर जी का ही प्रश्न है, जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता और कहता है कि ईश्वर नहीं है और ईश्वर के मानने वालों का उपहास उड़ाता है, क्या उसे ईश्वर किसी प्रकार दंड देता है? तो मेरी समझ से तो वो दंड नहीं है, ईश्वर की तरफ से होगा, क्योंकि जो भी, पहले हम ये समझे कि अधर्म क्या है, जो भी सत्य से विपरीत बात है उसको प्रचारित करता है, सत्य का खंडन करता है, किसी को अधर्म की तरफ ले जाता है, अज्ञान की तरफ ले जाता है, वो सब पाप के भागी है, क्योंकि ये सब वेद की आज्ञा और उसके स्वरूप से भिन्न है। ये जो भी कथन करते हैं, बोलते हैं, सिखाते हैं, विपरीत करते हैं, वो सब तो अज्ञान की तरफ ले जा रहे हैं, इसलिए इसका अधर्म की श्रेणी में वो आएगा सारा। और जो सत्यता वेदों के अनुकूल, धर्म के वृद्धि के लिए, लोगों के हित के लिए काम करते हैं, लोगों का हित होता है, ज्ञान की दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से, सेवा की दृष्टि से, ये धर्म कहलाता है, पुण्य कहलाता है। तो इसलिए अगर ईश्वर के मानने वाले का वो उपहास करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, तो ये भी उनके लिए गलत है, वो अधर्म को बढ़ा रहे हैं, धर्म की हानि कर रहे हैं एक तरह से, ईश्वर विश्वास की हानि कर रहे हैं, तो ये भी पाप की श्रेणी में आएगा और उनको भी दंड मिलेगा। ब्रह्मचारी मदन जी का प्रश्न है, क्या परमात्मा कभी हमें भी आत्मा को पूरी सत्ता सौंपेगा? तभी तो परमात्मा ने सत्ता ले रखी है, तो क्या आत्माओं को भी कभी छोड़ सौंप देगा? इनका तात्पर्य ऐसा होगा, जैसे कि पिता या राजा जैसे है, वो राजकुमार को, अपने पुत्र को सत्ता सौंप देता है, हम पुत्र है, हमारे को सौंपेगा, सौंपेगा कि वो ही इसे चलाता रहेगा, यानी परमात्मा ही चलाता रहेगा, तो वो हमें ये सत्ता कभी नहीं सौंपेगा, वो खुद ही चलाता रहेगा, और हम उसके कहे अनुसार चलते रहेंगे, हम उसके कहे अनुसार चलते रहेंगे। तो कह रहे हैं, ये कैसी न्याय व्यवस्था है, इसमें न्याय में क्या आपत्ति है? परमात्मा की सामर्थ्य है, वो ही चला सकता है, वो ही चला सकता है। आप बड़े हो यदि, और आपका छोटा बच्चा है, आप कार चलाते हैं, बच्चा देखता है पिताजी हमेशा कार की सीट पे बैठते हैं, खुद ही चलाते रहते हैं, वो बच्चा छोटा है, 8-10 साल का है, छोटा है, चला नहीं सकता, जानता नहीं है,
तो कभी सौंपेंगे उसको? बड़े होने पर तो देखते हैं, सामर्थ्य होने पर। उदाहरण केवल इतना लेना कि अगर सामर्थ्य नहीं है बच्चे की, कोई चाकू है छुरी है, माता जी तो चाकू वक्कू से सब काटती रहती हैं, और छोटा बच्चा कहता है मेरे को भी दो, माँ देती है क्या उसको? नहीं देती, और मांगते हैं तो और चाटा लगा देती है, ऐसे कि हाथ कट जाएगा तेरा। कौन है? उसके हित के लिए, क्योंकि वो उसको चला नहीं सकता। आत्मा की ऐसी सामर्थ्य कभी नहीं हो सकती कि वो सर्वज्ञ की तरह से, सर्वशक्तिमान की तरह से इस संसार को बना दे और चला दे। हमारी सामर्थ्य ही नहीं है। और जिसकी सामर्थ्य नहीं, अभी तो ऐसा आपको लग रहा है शायद हमारे को सत्ता मिल जाए तो कुछ हो जाएगा। वो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं और बड़े बड़े पदों पे होते हैं, बोले कांटों का ताज होता है वो, हम कुछ कर ही नहीं सकते, सामर्थ्य नहीं। और परमात्मा कभी भी नहीं देगा, और हमें देता है यदि किसी आत्मा को, तो उससे क्या होगा, अन्य आत्माओं के साथ क्या होगा? अन्य आत्माओं का उचित पालन हो पाएगा? अन्य आत्माओं के साथ न्याय हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, वो कार्य हो जाएंगे। तो परमात्मा समर्थ है, वो सब आत्माएं उसके लिए समान है और सबके लिए वो व्यवस्था देखता है। किसी एक को दे दिया, जैसे कि किसी अयोग्य व्यक्ति को बस पे चलाने के लिए लगा दिया कि चलो ठीक है, उसको राजपाट दे दिया, मूर्ख पुत्र था उसको राजा बना दिया, उसको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना दिया, उसको न्यायाधीश बना दिया, तो औरों के साथ कितने के साथ अन्याय होगा? वो क्या क्या कर बैठेगा? इतने बड़े पद पर, इतनी स्थिति में अयोग्य को बैठाने पर कितनी हानि होती है? परमात्मा ऐसा कभी नहीं करेगा। अपनी अन्य आत्माओं को भी वो ध्यान रखता है, सबके लिए हितकारी है, तो आत्मा को कभी नहीं करेगा। और ये न्याय के कारण से नहीं करेगा, इसको अन्याय की तरह से नहीं कि तो खुद बना बैठा है और हमारे को कभी नहीं बनाएगा। वो न्याय ही है, न्याय ही करता है, इसलिए वो हमारे को नहीं देगा। अन्यायकारी होता और अपने को किसी एक आत्मा को प्रिय मान लेता तो दे देता, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। आगे इन्हीं का प्रश्न है मदन जी का, परमात्मा हमें खाली मोक्ष का सुख देकर, तो मोक्ष का सुख तो कुछ है ही नहीं, बस खाली मोक्ष का सुख देकर वापस भेज देता है, क्यों वह सदा अपने पास नहीं रख लेता है? इसका उत्तर है वो न्यायकारी है। मोक्ष सुख तो बहुत बड़ा है, बहुत लंबा काल है। इस संसार के सुख हम इतनी इतनी सी देर भोगते हैं, बहुत थोड़ा सा काल है। पूरे जीवन में देखो कितना सुख भोगते हैं, कितना क्या करते हैं। वो तो ऐसा सुख है, परम सुख है, दुख नहीं है, इतना लंबा काल है। 36,000 बार सृष्टि बने और बिगड़े, 31 नील, 10 खरब, 40 अरब, इतना लंबा काल है, तो वो तो बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ी कुछ हमारे लिए हो नहीं सकती। तो ये खाली मोक्ष सुख नहीं है, और उसके बाद भी हमें इसलिए भेजता है कि हम फिर से प्राप्त करें उसको, फिर से अवसर देता है, फिर से ऐसा शरीर देता है, मनुष्य शरीर देता है, हम उसको प्राप्त कर सके। अपने पास वो सदा नहीं रखेगा, क्योंकि जो आत्मा जैसा करता है, जैसी योग्यता बनाता है, उसी को देता है, सबको नहीं देता है। वो यथा योग्य व्यवहार करना जानता है, वही उसका न्याय है। एक और प्रश्न है इनका कि क्या कोई आत्मा परमात्मा बनना चाहे तो वह बन सकता है? नहीं बन सकता। यदि वह बन सकता है तो कैसे, और नहीं बन सकता है तो क्यों? क्योंकि पूरी तरह से हमारी अपनी वैसी सामर्थ्य ही नहीं, हम बन ही नहीं सकते। एक बूंद समुद्र बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। हाँ, परमात्मा के बहुत से गुण हम कर सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि परमात्मा के जैसे बन गए, उसकी जैसी पवित्रता, उसके जैसे द्वेष आदि से रहित, उसके जैसे शुद्ध ज्ञान से युक्त, निष्काम करता, ये तो सब हम हो सकते हैं। लेकिन हम एक देशी हैं, परमात्मा सर्वव्यापक है, तो हम सर्वव्यापक कैसे बन सकते हैं? हमारा अपना स्वरूप है, हम नित्य वैसे ही हैं सदा से, हम हमारा जो अपना नित्य स्वभाव है वो नहीं बदलेगा। हम अणुस्वरूप हैं, हम बंधन में आते हैं, जन्म मरण को प्राप्त करते हैं, हमारी अल्प शक्ति है, अल्प ज्ञान है, अल्पज्ञ है, वो ही रहेंगे। उसमें कुछ मात्रा बढ़ जाएगी निमित्त से, लेकिन हम सर्वज्ञ कभी नहीं बन सकते, हम सर्वव्यापक कभी नहीं बन सकते, हम सृष्टि के रचयिता कभी नहीं बन सकते। तो इसलिए पूरा का पूरा जैसा परमात्मा है वैसे बन जाए ऐसा नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे गुण हमारे में आते हैं, हम वैसे बन सकते हैं। इतना ही रखते हैं।
सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।